अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आया हूँ। आप ये देख रहे हैं मेरे सामने इंस्टाग्राम खुला हुआ है, ठीक है, और ये बिल्कुल उस तरीके से खुला हुआ है जैसे मोबाइल पर खुलता है। यानी हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने डेस्कटॉप पीसी से या अपने लैपटॉप से इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करें और बिल्कुल उसी तरीके से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हों जैसे मोबाइल के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ताकि हम उसमें पिक्चर्स वगैरह इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकें। ठीक है, इसका तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ पहले, फिर मैं करता हूँ www.instagram। आपने काम करना है, सबसे पहले जो है ना इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने अपने क्रीडेंशियल्स शो ना करने के लिए इसको पहले से ही लॉगिन किया हुआ था। अब आप देखें ये मेरा इंस्टाग्राम तो खुल चुका हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ इमेजेस वगैरह ऐड नहीं कर सकता जैसे हम मोबाइल पे कर रहे होते हैं। सो हमने क्या काम करना है, एक मैंने इसको छोटा किया, अभी भी ये देख लें नीचे बॉटम के ऊपर वो हमारे पास सेटिंग्स नहीं आ रही हैं। आपने F12 की शॉर्टकट की प्रेस करनी है यहाँ पे, मोबाइल फ्रेंडली मोड में आ चुका हुआ है। यहां से आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है जी। अगर अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है इमेजेस ऐड करने का, कोई बात नहीं, आपने यहां पर भी इसकी एड्रेस बार में आना है और यहां पर दोबारा से आपने लिखना है www.instagram.com और ये लिख के आपने एंटर कर देना है जी। देखें व्यूअर्स कितना अच्छा हो गया, ये बिल्कुल मोबाइल की तरह आपके सामने बन गया है। अब आप कोई भी काम जो कि आप मोबाइल से करते थे आप सीधे का सीधा यहाँ से इंस्टाग्राम के यानी लैपटॉप से या डेस्कटॉप पीसी से भी कर सकते हैं।